उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपी पीसीएस 2023 की रामबाण श्रृंखला में आते हैं। अगली बेट क्लास में, इस वर्तमान क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं भारत के शीर्ष, सब आंकड़ों के आधार पर हम लोग देख रहे हैं मित्रों। तो यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल रामबाण सीरीज है आपकी, ये इस रामबाण सीरीज को जरूर देखें। और आते हैं शीर्ष एनएसडीपी प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, उसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका मैक्सिमम वाले राज्य कौन से हैं, मैक्सिमम वाले हम राज्य की बात करें तो मैक्सिमम वाले राज्य आपके आ जाते हैं पहले नंबर पर। मतलब ये आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद, किन किन राज्यों का शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना कितना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है, परसेंटेज वृद्धि किसमें हुई है, नंबर एक पर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में शुद्ध घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। दीदी का राज्य है तो दीदी के राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, ध्यान रखना दीदी का राज्य है। फिर मणिपुर और कर्नाटक है, सेकंड नंबर पर सम्मिलित रूप से मणिपुर और कर्नाटक है जिसमें 6.5% की वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पर आपका किरण रज्जू वाला अरुणाचल प्रदेश है, 5.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए मैक्सिमम शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले वृद्धि वाले राज्य हो गए। ठीक है, शीर्ष चार घरेलू उत्पाद वाले बात की अगर हम बात करें, शीर्ष चार शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपके हो जाते हैं, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर कर्नाटक है, चौथे पर गुजरात है। उत्तर प्रदेश इसमें कहाँ है, यूपी इसमें 8वें नंबर पर है। इस समय उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर, इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इस समय 8वें नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश यही चाह रहा है 2027 तक उत्तर प्रदेश क्या बन जाएगा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला बन करके 2027 तक 100% यूपी पीसीएस का सुपरहिट क्वेश्चन जो आ रहा है गारंटी के साथ आपके पेपर में आ रहा है 2023 में, 2027 में यूपी उत्तर प्रदेश क्या बन जाएगा, देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला राज्य बन जाएगा। अर्थात उसका शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होगा वो नंबर एक पर आ जाएगा, अभी वो नंबर 8 पर है। और उसमें नंबर एक पर इस समय कौन है, महाराष्ट्र है, नंबर दो पर तमिलनाडु है, नंबर तीन पर कर्नाटक है, नंबर चार पर गुजरात है। उत्तर प्रदेश पहले पर आने के लिए क्या कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बिल्कुल पंख फड़फड़ा करके दौड़ने के लिए बेताब है और दौड़ना शुरू कर दिया है। तो यह है मिनिमम शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले राज्य की हम बात करें तो इसमें आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य आ जाते हैं। नंबर एक पर आपका मिजोरम है, नंबर दो पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, नंबर तीन पर नागालैंड है, नंबर चार पर मणिपुर। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य क्या हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद में गरीब राज्य हैं। ठीक है, ये आते हैं जीएसबीवी में सर्वाधिक कृषि में योगदान करने वाले राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, मामा का मध्य प्रदेश है, फिर बाबा का उत्तर प्रदेश है, और फिर महाराष्ट्र है और गुजरात है। जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जीएसबीए में अर्थात राज्य की कुल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, उनके राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र का योगदान किस में है, तो मध्य प्रदेश का है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर गुजरात है। अब जीएसबीए में औद्योगिक क्षेत्र का, यानी ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ये आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने स्थान पर है, इसमें चौथे स्थान पर है, इसमें उत्तर प्रदेश कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का योगदान अगर हम देखें, टर्शरी क्षेत्र का योगदान देखें, सेवा क्षेत्र के योगदान को देखें, तो सेवा क्षेत्र के योगदान में उत्तर प्रदेश कितने स्थान पर है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर तमिलनाडु है, और चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण है, समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के आंकड़े आए हैं इसलिए प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको सतर्क रहना है। यूपी पीसीएस रामबाण की यह श्रृंखला है, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस 2023 के इस रामबाण श्रृंखला को जरूर आप लोग देखें। और फिर अगला आता है अमीरी के क्षेत्र में,
अमीर सबसे अधिक कौन कौन कैसे हैं इसको हम देखते हैं। इसके लिए आप हमारा अगला तुरंत आपको तुरंत प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। आप हमारा अगला वीडियो देखिए जिसमें हम आपको और भी सारे आंकड़े पूरा यूपी स्पेशल हम आपको आंकड़े में देने चल रहे हैं। इस आंकड़े के साथ आप डेली बने रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, सब कुछ आपको आंकड़े में मिलने जा रहा है। जनसंख्या नगरीकरण सहित सब कुछ आपको आंकड़े में उपलब्ध हो जा रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा उत्तर प्रदेश आपको आंकड़े में मिल जाएगा। बस 10 दिन के अंदर पूरा यूपी आपका खत्म हो जाएगा, यूपी स्पेशल आपका पूरा हो जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो जुड़िए, तुरंत जुड़िए डीपीआईएस के साथ और अगली क्लास के लिए अगला वीडियो हमारा देखिए, उसका इंतजार कीजिए, तुरंत वो भी आपको उपलब्ध हो रहा है।